आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे नाश्ते के साथ हफ्ते में 2 दिन खाएंगे अंडे, फरमान हुआ जारी। शिक्षा विभाग के कार्यालय व स्कूलों में 16,000 से 35,000 रुपए प्रति माह पर कर्मी रखे जाएंगे। जदयू ने व्हिप जारी किया, राज्यसभा उपसभापति को कहा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करें। दिल्ली से जुड़े कानून पर विपक्ष का विरोध, जदयू सांसदों की बैठक। और जकात के पैसों को भी नापाक हरकत में लगाता है PFI। कटिहार DM SP से पुलिस फायरिंग की रिपोर्ट मांगी गई, मंत्री का बयान। संसद में पक्ष विपक्ष की सियासी शोर, मणिपुर में गोलियां गूंज रही है। और वहीं कटिहार में शांति व्यवस्था के लिए 3 कंपनियां हुई तैनात। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं शिक्षा विभाग से ही। क्या शिक्षा विभाग के पास कर्मी नहीं हो तो क्या वह अपने स्तर पर कर्मियों को रख सकते हैं? जिसके लिए एकदम जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक राशि तय कर जिलों को पत्र भेजकर जानकारी दे दिया है। अब जो है नए प्रावधान के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग काम के लिए राशि तय कर दिया गया है। कुछ का अगर वानगी लिया जाए तो अगर कंप्यूटर शिक्षक रखना चाहते हैं कोई विद्यालय तो उन्हें 16,000 रुपये मासिक वेतन देना होगा। वहीं अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर रखना होगा तो 20,000 रुपये मासिक उन्हें वेतन देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 तक वेतन दे सकते हैं। नाइट गार्ड के लिए अलग से वेतन निर्धारित कर दिया गया है। और संस्थान के आंतरिक मद से टेंडर कर प्रशिक्षण कक्षा में AC लगाए जाएंगे, सफाई कर्मी रखे जाएंगे। हम आपको बता दें कि अब जो प्रशिक्षण का जो कक्ष है विद्यालयों में उसमें AC लगाया जाएगा। गुरुजी और बच्चे अब AC में रहेंगे, अब सफाई कर्मी भी रखे जाएंगे। लेकिन सफाई कर्मी रखने से क्या फायदा होगा? अभी एक खबर आई थी औरंगाबाद जिले के हंसपुरा +2 हाई स्कूल की, जहां 5 कर्मी हैं, 5 सफाई कर्मी हैं, पुराने वाले सफाई कर्मी हैं जिनका वेतन 60,000 से ज्यादा है और शिक्षकों का वेतन 40,000 है। ऐसी परिस्थिति में जो सफाई कर्मी हैं वह सफाई नहीं करते हैं, शिक्षक की बातें नहीं सुनते हैं, कहते हैं जिसे नाम सफाई कर्मी नहीं कही आदेशपाल नाम दे दिया गया है। अब आदेशपाल को भी नाम हटा के उन्हें परिचारी नाम दिया गया है। शिक्षकों की नहीं सुनते हैं, कहते हैं आपसे ज्यादा वेतन तो मुझे है। उन 5 कर्मियों ने मिलकर एक महिला कर्मी को नियुक्त कर दिया था और कहता था कि सफाई और सारे काम उसको महिला कर्मी ही करती थी। हालांकि खबर छपने के बाद वो महिला कर्मी को हटा दिया गया, लेकिन 5 अभी एक ही जगह जमे हुए हैं। लेकिन विभाग के में मॉनिटरिंग सेल बन रहा है, विभाग में मॉनिटरिंग सेल बन रहा है और शिक्षा विभाग अब मॉनिटरिंग करेंगे। 21 दिनों के निरीक्षण के बिना सूचना गायब, 21 दिनों के निरीक्षण में जो बिना सूचना के गायब 6,933 शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है। और वहीं कटिहार से जो खबर आ रही है DM SP से पुलिस फायरिंग की रिपोर्ट मांगी गई है। बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों की पुलिस की गोली से हुई थी मौत। बिजली कंपनी ने माना लो वोल्टेज की समस्या थी। बिजली कंपनी कह रहा है कि हाँ लो वोल्टेज की समस्या थी। और विजय चौधरी ने कहा केंद्र की अंधभक्ति में भ्रम फैला रहे हैं बिहार के भाजपा नेता। और इधर जदयू ने व्हिप जारी किया है, राज्यसभा उपसभापति को कहा विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करें। राज्यपाल ने दिल्ली में भोज पर बुलाया और INDIA वाले नहीं गए। व्हिप की क्या, व्हिप में जो कहा गया है थोड़ा सा उसकी बातों को ध्यान में रख ले। पार्टी के तरफ से मतलब जदयू की तरफ से जारी व्हिप में कहा गया है कि जेडीयू के सभी सदस्य 27 जुलाई से 11 अगस्त तक सदन में निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान विपक्षी दलों के निर्णय के अनुसार कांग्रेस की तरफ से लाए गए
सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं पार्टी की तरफ से जारी राज्यसभा सांसदों ने के व्हिप में लिखा गया है कि सभी सदस्य 11 अगस्त तक सदन शुरू होने से लेकर स्थगित होने तक सदन में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के दिल्ली को लेकर लाए गए बिल का विरोध में वोट करेंगे। और इधर अब पश्चिम बंगाल से के इस्लामपुर, पानी टंकी और सिलीगुड़ी में भी पीएफआई ने फैलाए हैं पांव। एजेंसियां सतर्क हो गई है। कुख्यात रियाज के साथ सेल्फी लेता है याकूब। दोनों दोनों मोस्ट वांटेड हैं और रियाज ने ही याकूब को पीआईएफआई से जोड़ा था। धर्म के आड़ में पीएफआई का जमीनी नेटवर्क ऐसा सुरक्षा एजेंसी जो इसे है सो सिमी से भी खतरनाक मान रहा है। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए रियाज ने क्लीन सेव किया तो गांव वालों को हुआ शक। और इधर भारत बैठे पहला वनडे कैंप नंबर 251 बिहार के मुकेश का वनडे में डेब्यू होने जा रहा है। और इधर गियर में थी कार, नाबालिग चालक ने एसी के बदले दबा दिया पावर बटन, दौड़ गई कार, दो को कुचल दिया है। घटना है पटना जंक्शन के पार्किंग में खड़ी एक कार के अचानक दौड़ने से मच गया हड़कंप। और इधर हिंसा का असर है, लोकसभा राज्यसभा छठवें दिन भी नहीं चली। संसद में पक्ष विपक्ष की सियासी गूंज तो मणिपुर में गोलियों की गूंज उठ रही है। निर्वस्त्र महिलाओं के वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार, केस की जाँच सीबीआई करेगी। विपक्षी गठबंधन INDA के बीच सांसद मणिपुर जाएंगे। फिर हिंसा, कुकी व ग्राम रक्षकों के बीच फायरिंग, दो की मौत हो गई। कुकी बहुत भारी पड़ रहे हैं, कुकी जो ये महिलाओं वाली कांड हुआ बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ, उसके बाद कुकी को एक सपोर्ट मिला और यह सब पे भारी पड़ रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि भारत पे भारी पड़ रहे हैं और सेना को रोक रहे हैं, सेना को महिलाओं को आगे करके सेना को भी रोक दे रहे हैं और जहां मन तहां हिंसा फैला रहे हैं, लेकिन हमारे देश से ही उन्हें समर्थन मिल रहा है। और क्या ईडी में मिश्रा को छोड़ बाकी अफसर नकारा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। मिश्रा की जो बढ़ाई गई है ईडी में कार्यकाल बढ़ाया गया उसके लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और वहीं दरभंगा में 30 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। कटिहार में शांति व्यवस्था के लिए 3 कंपनियां तैनात हुई है। और ज्ञानवापी में ASI के सर्वे का फैसला 3 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हिंदू पक्ष बोला ज्योतिर्लिंग को नए निर्माण से ढका गया है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि छपरा की मेयर की कुर्सी चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि छपरा की मेयर की कुर्सी ने 3 की जगह चुनावी हलफनामे में 2 ही बच्चे का जिक्र किया था, इसलिए उनकी कुर्सी चली गई है। छपरा की मेयर राखी गुप्ता की कुर्सी चली गई है। दरअसल राखी गुप्ता ने चुनावी हलफनामे में 2 बच्चों का ही जिक्र किया था, जबकि वो 3 बच्चों की माँ है। इस समय राज्य चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी के जाँच रिपोर्ट के बाद गुरुवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। और खगौल के PSI ने मिठाई दुकान में चमकाई सरकारी पिस्टन, वीडियो वायरल होने के बाद ASP ने किया सस्पेंड। और वहीं बिहार, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध बढ़िया नहीं हो लेकिन शादियां हो रही है, 2 शादियां चर्चित हैं, एक सीमा हैदर जो बाद में सचिन से शादी कर ली और दूसरी शादी अंजू ईसाई से मुस्लिम धर्म अपना ली, लेकिन उनकी बेटियों ने मां को अपनाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अब बच्चे ननिहाल कब आएंगे यह देखने वाली बात होगी। अब आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे नाश्ते के साथ हफ्ते में 2 दिन खाएंगे मुर्गी के अंडे। इसके लिए राज्य योजना मद से 216 करोड़ 16 लाख स्वीकृत है। उसी जिले के अनुदानित मुर्गी फार्म से अंडे की खरीद होगी। और वहीं बर्बरता की सीमा लांग चुकी है महागठबंधन की सरकार, दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सवन कुमार अग्रवाल ने कटिहार के बसनोई पुलिस फायरिंग में घटना में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव के बयान को बेहद ही शर्मनाक बताया है। और इधर
प्रसव कक्ष में जाने से रोका। सीएससी गेट पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, दर्द से कराहती रही महिला, हड़ताली आशा ने रोक दिया। यह घटना विभूतिपुर समस्तीपुर की है, समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर सीएससी की। और इधर पर यह सीतामढ़ी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 3 गिरफ्तार। और बैंकों का मुनाफा 107% तक बढ़ गया है। और वहीं केंद्र की रिपोर्ट, 5.5 साल में देश भर में 2,75,000 बच्चे गायब हुए, 35,000 का सुराग नहीं। लापता बच्चों में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हैं। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।